फ्रेंड्स आज दीदी और ध्रुव जा रहे हैं बुटीक और मैं घर पे रुक रही हूँ, है ना। हाँ ध्रुव घर पे रुक रही है। तू घर पे क्यों रुक रही भाई? फ्रेंड्स तो मैंने सोचा कि अब मैं अभी कुछ काम वाम करके देख लेती हूँ बन रहा है या नहीं बन रहा है, पर मुझे लग रहा है कि हाँ मैं कर लूँगी। तो मैं देखती हूँ अगर एक आध कुर्ता बन जाता है मुझसे तो, क्योंकि गुड़िया के पास देखी कितनी सारी लाइन लगी यहाँ से लेकर वहाँ तक, बेचारी कितना काम करेगी। पानी कितने लगा, पूरे कपड़े तो नहीं डले? कपड़े ही पता नहीं छत पे डले या नहीं डले, बारिश हो गई। हाँ मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हट गई थी और दीदी तुरंत मशीन को खाली देखा और जल्दी से बैठ गई उसके ऊपर कि अब मैं करके देखती हूँ सिलाई हो रही है या नहीं। हाँ तो ये दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा ना? कुछ अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी करूँगी जब तो पता चलेगा। हाँ ठीक है देखती हूँ बन पाता है एक आध कुर्ता या नहीं बन पा रहा। मुझसे चैन नहीं पड़ रहा है ना दीदी? अरे तो फालतू थोड़ी बैठ सकती हूँ, मुझे पता है मुझे कुछ ना कुछ काम चाहिए। फ्रेंड्स दो कुर्ते मेरे बन चुके हैं, अब गुड़िया स्टिच करने लगी है। तो उसने बोला अब हट जा, मैं तब मैं कर तो रही थी, उसने बोला ज़्यादा मत करो नहीं तो पैर वैर दुखने लगे। तो मैं सोच रही थोड़ा छत पे घूम आती हूँ, आराम आराम से चली आती हूँ। फ्रेंड्स पहुँच गए हैं छत पे और यहाँ पर ये फैलाना सामान वगैरह पड़ा हुआ है, ये लोग दो तीन दिन से कुछ बना रहे हैं, मैं देख के आती हूँ क्या है। पीयूष 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 ये क्या कर रहे हो? क्या करने लगा है? डंबल बना रहा हूँ। डंबल बना रहे हो? बताना दिखाना तुम्हारे डंबल। देखो अभी बन रहा है, वो गीले हैं अभी। गीले हैं? चेक कर रहा हूँ। कितने कितने किलो के हैं ये डंबल आपके? ये 10-10 किलो के हैं बड़े वाले। अच्छा मैं उठा सकती हूँ इनको? अभी नहीं। हाँ अभी तो मुझसे वैसे ही नहीं बनेगा। नहीं वैसे मैं उठा तो सकती हूँ क्योंकि मेरे चोट तो पैर में लगी, हाथ में थोड़ी ना लगी है। ये 250-250 ग्राम के हमारे लिए बनाए हैं। हाँ। छोटे छोटे से बना दिए हम लोगों के लिए। अच्छा ऐसे बनते हैं, एक एक साइड का अलग बना लिए, फिर अब एक एक साइड का और बना रहे हैं। दूसरी साइड का बनाना ज्यादा डिफिकल्ट काम है ना? दूसरी साइड में थोड़े ज्यादा मेहनत लगती है, फिर वो भारी हो जाता है ना फिर। हाँ कितना पसीना आ रहा, पूरा गीला हो रहा है। चलो बन जाएंगे फिर हम आपको एक्सरसाइज करके दिखाएंगे। बन गए पीयूष चारों डंबल? हाँ दीदी बन गए अपने चारों डंबल। फिर कब से एक्सरसाइज करें? तो इनको सूख तो जाने दो पहले, जब तक डंबल सूखेंगे जब तक मैं भी ठीक हो जाऊंगी। जैसे ठीक हो जाएंगे अपन फटाक से एक्सरसाइज करना चालू कर देंगे। चलो अब मैं चलती हूँ, जल्दी से मैं एडिटिंग कर लूँ थोड़ी सी और वीडियो अपलोड कर दूँ। फ्रेंड्स तो अभी रात हो चुकी है और हमारी दीदी यहाँ पर कर रही थी कटिंग और वो भी घराने की। स्टिचिंग नहीं करती है क्यों? हाँ क्योंकि स्टिचिंग मैं करती थी, मुझे तो स्टिचिंग पता है, मैं तो बस स्टिचिंग ही चलाती रहती हूँ क्योंकि मेरा काम ही स्टिचिंग करना है। और हमारी गुड़िया यहाँ पर बैठ के पी रही है पानी। मेरी छोटी सी माटा किया मैं इसे। और दीदी आज आपने कौन से घराने की कटिंग की है? हमने करी है 3 लेयर घराने की कटिंग, जो हमने कल पेपलून फ्रॉक बनाई थी आज उसी के साथ का घरारा बन रहा है। सिर्फ अभी कटिंग हुई है इसकी, स्टिचिंग हमारी गुड़िया कल करेगी क्योंकि हमारा ऐसे ही मैनेजमेंट चल रहा है, आधा काम रात को हो रहा है आधा काम सुबह हो रहा है, क्योंकि कुछ भी काम टाइम से नहीं हो पा रहा है, सब गड़बड़। फ्रेंड्स क्योंकि जो भी काम है ना मैं कुछ भी काम नहीं कर रही हूँ, जितना भी काम निकल रहा है पूरा हमारी गुड़िया कर रही है, डबल डबल तिबल तिबल काम, क्योंकि कटिंग स्टिचिंग वीडियो शूट भी ये लोग ही कर रही है और जो भी जितना भी सिलाई का बुटीक का काम है वो भी हमारी गुड़िया ही कर रही है और बेचारी दीदी भी पूरा मैनेज कर रही है। तो दोनों मिलकर बहुत ज्यादा डबल तिबल चुबल मेहनत कर रही है और अभी वैसे ही ज्यादा काम डाला हुआ था प्रीति। हाँ क्योंकि जैसे ही ज्यादा काम था, क्योंकि फ्रेंड जैसे ही ईद निकली तुरंत ही शादियों का सीजन चालू हो गया है तो सभी लोगों की शादियों के कपड़े डले हुए हैं, क्योंकि हमारा जो मतलब हमारा यहाँ पे बुटीक है ना पूरा मोमेडियन एरिया है, इसलिए हमारा सभी के जितने भी मतलब कपड़े स्टिच होने के लिए डलते हैं, मतलब कितने परसेंट दीदी? 50% या 80% ज्यादा 60% या 80% ना 80% कपड़े ऐसे रहते हैं जो मोमेडियन कस्टमर्स के होते हैं और 40% या 30% जो रहते हैं हमारे जो है वो किसके कपड़े होते हैं दीदी? हिंदू लोगों के बाकी सब अदर्स लोगों के, इसलिए हमारे ना इस टाइप से शादियों का सीजन चालू हुआ। क्योंकि आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि शादियों का सीजन तो बंद हुआ है, ये लोग बोल रहे हैं शादियों का सीजन चालू हुआ है इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो पूरा गरारी कटिंग दीदी ने कर दी है, 3 लेयर की गरारी कटिंग। गुड़िया कल आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएगी वो भी दर्पण बुटीक पर। और गुड़िया तुम ये बेबलून फ्रॉक भी दिखा दो। हाँ ये वाली फ्रॉक आज मैंने स्टिच
स्टिच की है, स्टिचिंग की वीडियो शूट कर दी है, और हमारी गुड़िया ने बहुत अच्छे से बताया है, जैसे मैं बताती हूँ उससे भी अच्छे से पता है आपको। पर गुड़िया कोई भी ना गुड़िया के उस पर वो मत लगाना, क्योंकि बताएं आगे से आपको मैं ही बताऊंगी, गुड़िया नहीं बताएगी, नहीं तो आप सोचो गुड़िया ही गुड़िया से आप सीख लो सब चीजें। कहीं तुमको जलन तो नहीं हो रही? हाँ हाँ हो रही है मुझे। प्रीति बैठ के सिर्फ जल रही है, अभी कुछ नहीं कर पा रही है। मैं दिखाती हूँ आपको ये वाली फ्रॉक, तो ये देखिए हमारी प्यारी सी सुंदर सी पैटर्न फ्रॉक, और एकदम जगमगाती चमचमाती झिलमिलाती दीदी ना रेनबो बनाती हुई, रेनबो बनाती हुई। हाँ देखिए रेनबो बन रहा है, क्योंकि देखिए इसमें रेनबो बन रहा है, देखिए अभी नहीं वो बारिश में दिखता है, आप इसमें मत देखिए, वो बारिश में बाहर देखना वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारी पैटर्न फ्रॉक आज बन चुकी है, और हम कल बनाएंगे इसके साथ का थ्री लेयर्स का प्यारा सा सुंदर सा गरारा। तो गुड़िया पता है ये पूरा सेट कंप्लीट हो जाए तो तुम दिखा देना जरूर ना। अभी इस पैटर्न फ्रॉक को दुकान मत भेजना, मतलब बुटीक मत भेजना। हाँ हाँ ठीक है, बुटीक नहीं लेके जाना, अपन उसको यहीं रखेंगे, पूरा सेट अच्छे से रेडी हो जाएगा, फिर हम पूरा आपको दिखाएंगे। और वो हल्दी वाला ड्रेस दिखा दिया या नहीं दिखाया? अभी नहीं दिखाया, हम कहाँ मोबाइल ही नहीं ले जाते हैं, यही तो छोड़ जाते हैं वीडियो शूट करने के लिए। ठीक है चलो फ्रेंड्स, वो जो हल्दी वाला ड्रेस था ना वो हम उसी दिन दिखाने वाले थे जिस दिन हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने घर पे ही बोल दिए थे कि हम आपको बताएं नेक्स्ट वीडियो में बुटीक जा रहे हैं, तो वहीं पे जाके आपको वो हल्दी फंक्शन वाला ड्रेस दिखा देंगे। तो हम लोग बुटीक पहुंच ही नहीं पाए, घर ही वापस आना पड़ा, फिर दूसरे दिन दीदी गई अकेली। हाँ मैं अकेली गई थी, फिर मैं इतना सारा काम मेरे साथ हुआ, फिर मैं कहाँ उसमें ब्लॉग शूट कर पाती। हाँ इसलिए फिर हम लोगों ने आपको हल्दी वाला ड्रेस नहीं दिखा पाया। तो हल्दी का मेहंदी का और ये पूरा बली में का है या बारात का, बारात का नहीं अभी शायद बली में का ही होगा, पता नहीं जिस भी फंक्शन का होगा। तो ये वाला तीनों ड्रेस हम आपको एक ही साथ दिखा देंगे, वैसे भी आप कल देख लीजिएगा। कल कल देख लीजिए, बुटीक चलो ये यही बोल रहा हूँ। चलो दीदी सो जाते हैं, तुम बातें बंद तो करो, हम सोच ही रहे थे सो जाएं चलिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आप सभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं आपसे कल। फ्रेंड्स हो चुका है नेक्स्ट डे, और अभी हम लोग आ गए हैं छत पे, मैं आ गई एक टांग से उचकती छत पे पहुंच गई हूँ, और हाँ अभी उसने जो डंबल बनाए थे निकाल रहा है, वो नहीं निकल रहा है, थोड़ा ही देर लगेगी, निकल रहा है आराम से, मेरे कपड़े बंद नहीं हो ऐसे भी करते हैं लेकिन थोड़ा वजन लग रहा है भाई इसमें, इससे हल्का चाहिए मुझे, इससे हल्का चाहिए। हाँ चलो अपन बना लेंगे, वजन लग रहा है सर, मतलब कुछ कुछ एक्सरसाइज इससे हो सकती है। हाँ। और कुछ के लिए थोड़ा हल्का चाहिए पड़ेगा, जैसे कि बेंच प्रेसेस वगैरह हुए। हाँ। और कुछ ऐसे ज्यादा ऊपर ले जाने वाली, क्योंकि इसमें थोड़ा वजन लगने लगेगा। नहीं इससे तो हो जाएगी ये वाली, तो हाँ ये वाली तो हो रही है। हाँ अच्छा बन गया। और ये वाले जो है ना, ये एक इसमें रखा हुआ है, एक इस वाले में रखा हुआ है, दोनों अभी पीयूष निकाले गए कि ये भी है। तो पीयूष अपने दो जोड़ डंबल बन जाएंगे ना, दो सेट रेडी हो जाएंगे। ये वाले भी और निकाल लो। हाँ। निकाल रहे हैं उनको। हाँ ऐसे ठोक ठोक के निकालना पड़ेगा, तो और कैसे निकलेगा हमको क्या पता, ऐसे ही निकलेगा दीदी, ऐसे निकलता है भाई। ये कौन सी नई नई ट्रिक निकाल रहा है? तुम लोग यहाँ बारिश में क्या कर रहे हो? हम लोग देखो, हम लोग ये डंबल निकाल रहे हैं। ये तो कितने अच्छे बना लिए हैं तुम लोगों ने, ये देखो तुम्हारे लिए हल्का वाला है। हाँ अच्छा है, नहीं मतलब सेम टू सेम लग भी रहा है दीदी ना, और क्या अलग लगेगा जब बनाया ही वही है तो। हाँ अच्छा लग रहा है। हाँ ये अच्छा किया भाई, मुझे जिम नहीं जाना पड़ेगा, जिम जाने के लिए तो बस सोचते ही रहो अब जाएंगे अब। हाँ यहाँ पे 10-15 मिनट टाइम निकाल के तभी एक्सरसाइज कर लो। अच्छा है, थैंक यू भाई, किसने बनाए तुम दोनों ने मिलके, चलो अच्छा किया। अपना देसी जुगाड़ भाई हो तो ऐसे कुछ भी करवा लो, सब कर देंगे वो तो। यहाँ बारिश हो रही, तुम यहाँ घूमती फिर रही हो ना, और सीधे नहीं हो रही बारिश, नहीं भी हो रही, पर तो बूंद टपक रही है कहीं कहीं। अब तुम यहाँ चल के आई हो, पूरी सीढ़ियाँ चढ़ के, सीधे नहीं बैठ सकती हो,
फ्रेंड्स आप लोग ना एक टाइम से उचकती फिर रही हूं। आप लोग ना थोड़ी सी इनको डांट लगाइए, क्योंकि ये पूरे घर में ऐसे कभी इनको ऊपर जाना है, कभी इनको और ऊपर जाना है, कभी इनको छत पे घूमना है। अरे मैं डंबल देखने आई थी यार, कम से कम देखो अब अगर मैं घर में ही नीचे बैठी रहूंगी तो ये बन ही चुके हैं, मैं कैसे देख पाऊंगी कैसे बनाए क्या करा। हाँ अरे मैंने खुद ने नहीं देखी यार। हाँ? तुम तो अपना बोल रही हो। क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा है तो गुड़िया के पास डबल टिबल काम होगा, बेचारे दिन ना रात काम करती रहती हूँ। तो अरे तुम चिंता मत करो, अभी अपन और भी बनाएंगे, और भी बनाओगे अलग अलग साइज प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स भाई सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, प्लेट अपने ये थोड़ी मोटे रहते हैं। अरे तुम देखना वो भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, तुम तो इसमें भी बोल रही थी। इसमें कब बोला मैंने, ये भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है बन जाएंगे तो देख लेंगे। भाई खाना खाने के बाद ऐसे कर लेते हैं। अरे उसमें क्यों रही है? हाँ, मेरा हाथ दर्द करेगा, अभी मैं नहीं कर रही, वैसे मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। वही तो मैं कह रहा हूँ, वजन नहीं गिरता करो तो वैसे भी हाथ पैर दर्द कर। उसमें वजन नहीं गिरता, 250 ग्राम। हाँ तेरे लिए 250 ग्राम है, हम लोगों के लिए तो यही 5 किलो है। और क्या लो फ्रेंड्स, आज हमारी मम्मी ने बनाए हैं गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी मेरे फेवरेट आलू के पराठे। वैसे मेरे बहुत दिन से कुछ अच्छा स्पेशल खाने का मन कर रहा था, मम्मी ने आज बना दिए आलू के पराठे मेरे फेवरेट, आज मैं घर भर के खाऊंगी। अरे दीदी तुम तो इतना खाना दो दिन तक खाने की जरूरत नहीं पड़े। इतना तो मैं वैसे नहीं, कोई नहीं खा सकते बढ़िया इतना तक। जो तुम्हारी फेवरेट है ना आज, तो फेवरेट है तो फिर इतना खा लेंगे, तो ठंडा हो जाएगा। अभी क्यों दे दिया, मम्मी अभी गर्मा गर्म बना रही थी, मुझे गर्मा गर्म खाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर दीदी ड्रेसिंग करवा रही थी और दीदी अच्छे से हो गई ना ड्रेसिंग। हाँ, ड्रोब ने बहुत ही बढ़िया, मैं पता है दौड़ लगा के देखने के लिए आई कि कितना घास बचा है कितना नहीं बचा, तब तक इन्होंने पट्टी खोली और बांध भी दी, पता ही नहीं चला मुझे। तो तुम जब तक मैंने पहले ही खाना खा लिया था, गुड़िया थोड़ा लेट तक खाती रही। गुड़िया में कितनी मक्खियां आ गई। अरे दीदी आम आ रहा है ना, इसका आम के कारण आ रहा है। मम्मी मुझे जला क्यों रही हो तुम? मुझे अपने अपनी चोट ठीक करना है, भले मैं इस सीजन ही आप ना खा पाऊं लेकिन मुझे जल्दी ठीक होना है। वैसे मैंने बहुत ज्यादा मतलब ठीक हो चुकी हूँ, अब मैं अच्छे से थोड़ा सा चल भी लेती हूँ, चल के भी दिखा दे सकती हूँ मैं। हाँ चल के दिखाना दीदी, देखो कहाँ अच्छे से चल रही हूँ मैं तो, सही है ना? देखो नॉर्मली। हाँ ठीक है ना, बस थोड़ी ना गाड़ी चला लूँ मैं, बस मंडे से चला के। मम्मी इनको आप खूब सारे आम दिखाना है। देखो देखो मैं थोड़ा देख, देख 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 मुझे नहीं खाना है, मुझे अपनी चोट ठीक करना पहले। मम्मी अभी ले लिए, पर मम्मी तो आप तो दूसरे लेने वाली थी ना जी, ये वाला अच्छा लग रहा है मुझे जी। हाँ एक बार और खोलो इसको पूरा, ये वाला नहीं मम्मी अच्छा लग रहा है। ये क्या कंबल है ना, कम्बल? हाँ अच्छे लग रहा है। और वो वाला और दिखाना है, एक वो वाला कैसा लग रहा है? हाँ वैसे ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, दोनों ही अच्छे लग रहा है। पहले तो मम्मी ये उल्टा लग रहा है मुझको, नहीं नहीं सीधा ही है, सीधा ही है। पीयूष को और मामा को ये वाला पसंद नहीं आ रहा था, मम्मी को पसंद आ रहा था, मैंने मम्मी को पसंद है तो मम्मी के लिए ले लेते हैं, मम्मी ओढ़ लेंगे इसको। हाँ ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है ना दीदी, ये देखो लाओ इसको ओढ़ के दिखाओ। अरे नहीं मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैंने अभी नहाया है। हाँ ये वॉश करेंगे ना। हाँ ये वाला देखो, ये इसमें बड़े बड़े रोज बने हुए हैं। ये वाला मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो ये पीयूष को भी यही अच्छा लग रहा है, तो उसने भी बोला था ये ले लो।